हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। सीटेट पेपर वन और टू के लिए आपको एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पढ़ना है वह है विशेष एनिमल के बारे में। तो आज के इस सेशन में हम कुछ विशेष एनिमल की चर्चा करेंगे। वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, लेकिन दो तीन वीडियो में जितने भी विशेष एनिमल आपको पेपर वन और टू में पढ़ने हैं उन सभी के बारे में हम कवर करने वाले हैं। आज हम लोग कवर करेंगे लायन, टाइगर और जिराफ के बारे में। जो भी स्पेसिफिकेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा उन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बने रहे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को स्किप करेगा तो हो सकता है कई ऐसे इन्फॉर्मेशन हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होंगे और वो छूट जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट कर देते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। आशा करता हूं आप हमारे चैनल से जुड़ गए होंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और अंत में अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहली बात शेर की अगर बात हम करें तो बचपन से आप लायन के बारे में जानते होंगे। एक चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि जो भी आपको पढ़ना है सीटेट के सिलेबस में, आपको बच्चों के पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो आपको उतना ही पढ़ना है। जो सपोज दैट कोई बच्चा क्लास थ्री में है, क्लास फोर में है या क्लास फाइव में है, तो आप समझ सकते हैं कि उसको कितनी जानकारी चाहिए। एक सपोज दैट आप लायन पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में उसको कितनी जानकारी चाहिए, उतना ही आपको पेपर में पूछेगा, आपको उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। लायन की अगर हम बात करें तो लायन को आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, जंगल का राजा कहा जाता है, राइट? किंग कहा जाता है जंगल का, तो किसको बोला जाता है जंगल का राजा? तो शेर को बोला जाता है। पहला पॉइंट, अगर हम इसकी आयु की बात करें तो इसकी आयु लगभग जो है 14 साल होती है, 14 ईयर इसकी आयु लगभग आयु होती है। इसका कलर आप देख पा रहे होंगे लायन से, यहां पर देखिए कलर कैसा है, कलर है भूरा रंग होता है। तो आप तीन पॉइंट आपने याद किया कि जंगल का राजा शेर को कहा जाता है, आयु लगभग 14 साल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेर की आयु कितनी होती है तो लगभग 14 साल होती है, रंग भूरा होता है। इसके जो मूछे होते हैं, यहाँ पर जो आप मूछे देख पा रहे होंगे, तो जो मूछे होती हैं ये इसके क्या हेल्प करता है, लायन का जो मूछे है वो क्या हेल्प करता है। इवन टाइगर के बीच आप मूछे देखेंगे तो सेम प्रॉपर्टीज है, बस दोनों एक ही किंगडम से आते हैं तो आपको सेम प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। जो लायन का मूछ होता है वो इनको शिकार को पता करने में मदद करता है, तो अपने मूछों की मदद से लायन जो है शिकार को खोज पाता है और शिकार करता है। ये जो कान होता है इतना सेंसिटिव होता है, कान जो है इसके इतना सेंसिटिव है कि इतना भी धीमी गति से कोई भी शिकार क्यों ना चल ले वो तो धीमी से धीमी आवाज को सुन लेता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि काफी ही एक्टिव होता है। आप लायन का कोई वीडियो देख लीजिएगा, आप देखेंगे कि काफी जब शिकार करता है, हंटिंग करता है, तो काफी ही एक्टिव रहता है, चौकन्ना रहता है। खास बात इसका क्या है कि इसकी आंखों के बारे में अगर हम बात करें तो खास बात इसकी क्या है, विजन कैपेसिटी, मतलब देखने की क्षमता तो गजब की है। आम आदमी की जो कैपेसिटी है उसे 6 गुना ज्यादा इसकी कैपेसिटी होती है। लायन की देखने की क्षमता आम आदमी से यानी मनुष्य से 6 गुना ज्यादा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि लायन के देखने की जो क्षमता है वह कितना है, 6 गुना ज्यादा है, और तभी यह शिकार अपने कर लेता है। नाइट में भी यह देख सकता है, समझ लीजिए, या नाइट में भी देख सकता है, तो इसका जो आंखें ना नाइट विजन की तरह काम करता है। इसके बच्चे का जो वजन है ना, बच्चे का वजन क्या है जब पैदा लेता है तो 1 से 2 केजी का होता है। जो कब्स होते हैं वो कितने केजी का होते हैं, 1 से 2 केजी का होते हैं। एक बात मैं बता दूं कि इसमें जो समूह की जो बात है, समूह यानी समूहों का नेता जो होता है वो शेर नहीं होता है। शेर और शेरनी में क्या अंतर है, शेर जो होता है अपने बच्चों के साथ समूह में चलेगा, शेरनी जो है बच्चों के साथ समूह में चलेगा, लेकिन शेर क्या है, समूह से अलग है, तभी तो यह राजा है, अपने आप को अलग रखता है, सभी जानवरों से अपने आप को अलग रखता है। तो शेरनियां जो है, शेरनी जो है और बच्चे एक समूह में रहते हैं, और शेरनी ही उस समूह का क्या होता है, नेता होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि समूह के नेता कौन होता है, तो शेरनी होता है समूह के नेता। अगला जो पॉइंट है वो ये कि शेर के जो नर बच्चे होते हैं, तो शेर का जो नर बच्चे होता है, नर और मादा दो तरह के बच्चे हैं, नर और मादा। नर क्या करता है कि 2-3 साल तो रहेगा वो समूह में, लेकिन 2-3 साल के बाद वो अपना उसके एटीट्यूड डेवलप होता है और वो क्या करता है, यह समूह से निकल जाएगा, है ना, तो समूह को छोड़ देता है। इसके बच्चे जो नर बच्चे होते हैं 2-3 साल के बाद आप देखेंगे कि समूह को छोड़ देगा। तो नर बच्चे कितने साल बाद समूह को छोड़ देता है, तो 2 से 3 साल के बाद यह छोड़ देता है। शेर जो है अपने मूत्र की सहायता से अपने क्षेत्र, यहां पर क्षेत्र कर लीजिएगा, क्षेत्र को यानी एरिया को पहचान लेता है। आप देखे होंगे कि जानवर जो होते हैं
जगह जगह पर मूत्र करते जाता है, उसकी रीजन क्या है। कई बार आप देखे होंगे डॉग को, देखे होंगे डॉग कहीं पर कार खड़ा है तो वहां पर मूत्र कर देता है, या कहीं पेड़ है या कहीं और ऐसे जगह है जहां पर आप देखे होंगे मूत्र कर देता है, उसकी रीजन क्या है, कभी आपने सोचा। तो रीजन यही है, वो हेल्प करता है एरिया के रिलोकेशन में। सपोज दैट किसी के पीछे या शिकार करते करते कहीं दूर निकल गया, तो उसको कैसे पता चलेगा कि हमारा एरिया क्या है। जानवरों की खास बात यह है कि इनकी एक स्पेसिफाइड एरिया है, जैसे आपका घर है ना, इसी प्रकार से उसका वो एरिया जो है वो घर होता है। तो ये जो मूत्र करते जाता है तो उससे उसके गंध से पता चलता है कि उसकी एरिया कौन सा है। अगर हम इसकी खान पान की बात करें तो आपको मालूम है कि लायन जो है कभी घास नहीं खाता है और यह मांसाहारी है। मालूम है यह क्या है, मांसाहारी। ये तो रही कुछ जनरल स्पेसिफिक। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो काफी ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है, तो ध्यान में रखिएगा। अगर यहां से हटके क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछ सकता है तो वो क्या पूछ सकता है, एक है गिर फॉरेस्ट के बारे में आपको जानना है। तो गिर फॉरेस्ट कहां पर है, गिर फॉरेस्ट क्यों फेमस है। गिर फॉरेस्ट इसलिए फेमस है क्योंकि यहां एशियाटिक लायन है। एशियाटिक लायन गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है। और ये गिर फॉरेस्ट कहां पर है, तो सर ये गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात में है, गुजरात के इस वाले एरिया में। देखिएगा गुजरात के, अगर इंडिया के मैप अगर हम बात करें तो गुजरात के इस वाले एरिया में गिर फॉरेस्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात में पड़ता है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। भारत में गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लायन की सबसे ज्यादा है और वहीं पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। अभी चल रही है बातें, कई और जगह जो है आपको रिलोकेशन करने की बातें चल रही है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दे IUCN कंजर्वेशन लिस्ट, तो IUCN कंजर्वेशन लिस्ट में ये वल्नरेबल है। क्या है, वल्नरेबल आता है। कितनी पॉइंट आपको बारे में, लॉयन के बारे में, और यहीं से आपका एग्जाम में प्रश्न बनेगा, बार बार प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, राइट। चलिए अगला जो है स्लाइड हमारे लिए वो है टाइगर के बारे में। तो टाइगर के बारे में अब हम पढ़ते हैं, आपने देखा अभी लॉयन के बारे में। लायन और टाइगर में बहुत कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको सिमिलरिटीज मिल जाएगा, तो आपको आसानी होगा याद करने में। दोनों एक ही दो स्पेसीज का है, दोनों एक ही स्पेसीज का है, तो सिमिलरिटीज है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है ना, तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो आपको मालूम है टाइगर है ना। तो राष्ट्रीय पशु क्या है, टाइगर है। पहला पॉइंट, राष्ट्रीय पशु भारत का कौन सा है, लायन नहीं है, राइट, लायन नहीं है, टाइगर है। साइंटिफिक नेम अगर पूछ दे, टाइगर का साइंटिफिक नेम पूछे तो क्या हो जाएगा आंसर, पैंथेरा टिग्रिस इसका साइंटिफिक नेम। आयु देखिए, वहां लायन का, जहां पर लायन का आयु आपने देखा था 14 ईयर, वहीं इसकी आयु देखिए कितना है, 26 ईयर है ना, दुगना से भी ज्यादा है इसका। तो इस टाइगर की आयु जो है लायन से दुगना से ज्यादा है, राइट, क्योंकि दोनों एक ही स्पीसीज के। जो बड़े कैट्स हैं, चार बड़े कैट्स में ये भी एक कैट है, लायन भी एक कैट है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे ना कैट प्रजाति के हैं, बिल्ली जो जानते हैं उसी प्रजाति के। तो ये बिग साइज वाला कैट है, और जो अपने घरों में देखते हैं वो छोटा साइज वाला कैट है। इसकी रंग की अगर हम बात करें, कलर की बात करें, तो इसकी कलर में क्या है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ब्लैक और येलोइश धारी है। तो ये ब्लैक और येलोइश धारी ही इसकी पहचान है, राइट, ब्लैक और येलोइश धारी क्या है, इसकी पहचान है। सेम टाइगर की तरह अपने कानों से शिकार को, सेम लायन की तरह अपने कानों से शिकार को बहुत ही, कितना भी धीमी गति से चल रहा हो वो पहचान लेगा। और मूछ जो है, इसका भी जो मूछ है वो हेल्प करता है शिकार को पता लगाने में, सेंसिटिव समझ सकते हैं, एक रडार की तरह काम करता है, राइट। अगर जनरल लैंग्वेज में बोले तो जैसे रडार सेंस कर लेता है ना, तो उसी तरह से यह भी सेंस कर लेता है। यह भी जो है, टाइगर भी जो है मनुष्य से 6 गुना ज्यादा देख सकता है, और अंधेरे में भी यह शिकार कर सकता है। इसकी अगर बच्चे की वजन की बात करें, तो जब बच्चा होता है तो इसके बच्चा का वजन जो होता है 1/2 kg से लेके 1.5 kg तक होता है। कितना, 1/2 kg से लेके 1.5 kg तक के टाइगर का बच्चा होता है, राइट। सेम उसी तरह से जिस तरह से लायन के नर बच्चे 2-3 साल के बाद अपने समूह को छोड़ देता है, टाइगर के भी नर बच्चे जो है अपने समूह को छोड़ देता है। और इसमें भी टाइगर, टिग्रिस जो होती है यानी बाघिन जो होती है, वह क्या होती है, बच्चों को लेकर घूमती है, बच्चों को केयर करती है, और वही समूह की नेता होती है। तो ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर आपको ध्यान रखना है। सिमिलरिटीज पॉइंट यहां पर और क्या है, यह भी अपने मूत्र की सहायता से क्या करता है, अपने क्षेत्र को पहचान लेता है, और यह भी क्या है, मांसाहारी है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। एक मैं और वीडियो करूंगा जिसमें आपको प्रमुख टाइगर रिजर्व के बारे में चर्चा कर देंगे। तो इससे क्या होगा, अगर आपको टाइगर रिजर्व के क्वेश्चन बनता है
तो आपको बन जाएगा। जो जितने भी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, हम उसका स्लाइड एक अलग 20-25 टाइगर रिजर्व जो इंपॉर्टेंट है, तो टाइगर रिजर्व काफी है, 52 के आसपास है, तो वो सारे टाइगर रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। अगर बोलिएगा तो सारा लिस्ट मैं दे दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट को मैं कवर कर दूंगा। आइए बात करते हैं जिराफ का। जिराफ देखिए काफी ही डिफरेंट एनिमल है, राइट। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जानवर अगर आपसे पूछे तो वो है जिराफ, सबसे लंबा, है ना। आप यहां पर देख पा रहे होंगे पिक्चर में, सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? तो वो जिराफ है। इसकी आयु कितना है? तो टाइगर के आसपास ही है, 25 वर्ष। जिराफ की आयु है 25 वर्ष। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई आपको कहीं पर 5 मीटर और कहीं पर आपको 5.5 मीटर भी देखने को भी, तो 5.5 मीटर आप इसकी ऊंचाई माप सकते हैं। इसकी खाने की यानी जो खाने की जो खपत है वो कितना पत्ता खा जाता है, ये आपको मालूम है? शाकाहारी है एनिमल है, या क्या है? शाकाहारी एनिमल है। तो शाकाहारी एनिमल है तो क्या खाएगा? पत्ता खाएगा, घास खाएगा, राइट। तो नीचे जमीन वाला जो घास है ना, ये बहुत कम खाता है, क्योंकि इसको झुकना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको झुकना पड़ेगा तो इसको दिक्कत होगा कि गर्दने और टांग जो है ना, यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी जो पैर की लंबाई है और गर्दन की लंबाई है तो काफी ज्यादा होती है, राइट। इसकी गर्दन और पैर की लंबाई काफी ज्यादा होती है, इसकी नहीं पाता है, इसीलिए पेड़ के पत्तियों को खाता है और लगभग 45 केजी पत्ती एक दिन में खा जाता है। तो इसकी जो कंजम्पशन है वो ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये एक जो स्पेसिफिक चीजें मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर मिस नहीं कर सकते आप। स्पेसिफिक चीजें क्या आपसे पूछ सकता है? अब यहाँ पर देखिए इसके चलने का जो स्टाइल है ना, उसको समझिएगा। चलने का स्टाइल क्या है कि जब ये चलता है, जिराफ चलता है, मैं रिकमेंड करूंगा कि एक जिराफ का वीडियो इसके बाद देख लीजिए। जब ये चलता है तो क्या है कि एक साइड वाला पैर दोनों आगे करता है, फिर दूसरे साइड वाला पैर आगे करता है, फिर एक साइड वाला दोनों पैर आगे करेगा, फिर दूसरे साइड वाला पैर आगे करता है। तो इस तरीके से इसका मूवमेंट होता है, पैरों का जो मूवमेंट है वो इस तरह से होता है। ऐसा नहीं होता कि मनुष्य की तरह एक पैर आगे फिर दूसरा पैर पीछे, इस तरह से नहीं होता है। ये एक साइड वाला, जैसे चार पैर है तो एक साइड वाला पहले आगे चलेगा फिर दूसरे साइड वाला आगे चलता है। आप वीडियो में देखेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर समझ में आएगा। आगे हम बात करें इसकी सोने की, तो सोता बहुत कम है, जिराफ जो है बहुत कम सोता है और दिन में मतलब आप समझ सकते हैं सिर्फ 2 घंटा ही सोता है, राइट। 24 घंटा में, 24 आवर में यह मात्र 2 घंटा ही सोता है, राइट। और यह शाकाहारी है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। आई होप यहाँ तक आपको लायन, टाइगर और जिराफ के बारे में क्लियर होगा। अगला वीडियो में हम कुछ और स्पेसिफिक लाइक पेंगुइन, एलिफेंट, इन सभी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो में और जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी जुड़िए हमारे सेशन से ताकि आपको और फायदा मिल सके, और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।